स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं। उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना होगा, ताकि आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिल सके। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनके डाउट्स निकल के आ रहे थे कि जैसे कि जो स्टूडेंट थे उनको काफ़ी टाइप के कन्फ्यूजन थे। किसी के NRI फील हो रहा था, किसी के कुछ फील हो रहा था एंड किसी के यहाँ पर जो है लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही थी, उन सभी से रिलेटेड। तो आप लोगों को जो है सभी के सभी को एक फॉर्म जो है फिल करना होगा, आप लोग ये मान के चल सकते हैं। PGI रोहतक ने आप सभी को न्यू फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की है, जिसके तहत आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ताकि जिन भी स्टूडेंट को एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है वो सभी के सभी सोल आप लोगों के हो सके। तो चलो हम लोग जान लेते हैं क्या है वो कंप्लीट प्रोसेस जो आप लोगों को करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को आना होगा पोर्टल में, जो कि ये पोर्टल डिज़ाइन किया गया है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पोर्टल का लिंक प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल भी सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोगों को बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। इवन दो आप लोगों को गूगल पे क्रोम पे भी नहीं जाना पड़े। इस वजह से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो चलो हम लोग जान लेते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली आ जाना है इस ऑफिशियल पोर्टल पे। पोर्टल पे आने के बाद आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रहेंगे, दैट इज़ रजिस्टर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का एंड न्यू कैंडिडेट्स का। आप लोगों को जो क्लिक करना होगा वो करना होगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पे। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यूज़र ID और पासवर्ड मांगेगा। वहीं पर आप लोगों को क्लिक करके दोनों के दोनों चीज़ें जो है फिल कर देना होगा। अगर आप लोग यहाँ पर पहले कर चुके हैं तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर सेव हो गई होगी। वो सेव्ड इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही आप लोगों को इसमें लॉगिन करना होगा। लोग देख सकते हैं हम फाइनली इसमें लॉगिन हो चुके हैं। आप लोगों को भी ऐसे ही लॉगिन इसमें हो जाना होगा। लॉगिन हो जाने के बाद आप लोगों को जो साइड में बिल्कुल आप लोगों का आप लोग बोल सकते हैं जो पेज स्टार्ट होता है उसके बिल्कुल टॉप मोस्ट कॉर्नर पे जो रहेगा, आप लोगों को 3 डॉट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, उस पर क्लिक कर देना होगा। वहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो आप लोगों को सबसे लास्ट में जाना होगा, दैट इज़ हेल्प डेस्क। लास्ट में ऑप्शन है दैट इज़ हेल्प डेस्क, इसी पे आप लोगों को क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को एक मिलने वाला ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू टिकट्स, यहाँ पर आप लोगों को जो है टिकट्स पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू मैनेज टिकट्स, टिकट स्टेटस या फिर रेज टिकट। तो इसमें आप लोगों को डिसाइड कर लेना होगा। आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है तो आप लोगों को क्लिक करना होगा रेज टिकट पे, मतलब आप लोग एक न्यू क्वेरी जो है जो भी आप लोगों के यहाँ पर जो आप लोगों से नहीं हो रहा वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। टिकट स्टेटस होता है जो आप लोग डाल चुके हैं वो कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। मैनेज टिकट में दोनों के दोनों ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोगों को क्लिक करना होगा न्यू टिकट के लिए, दैट इज़ रिलेटेड टू रेज टिकट्स। सकते हैं हम आ चुके हैं रेज टिकट्स पे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। ये कैटेगरी होती है कि आप लोगों को किसी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो इस पर आप लोग सिंपली करके कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल में प्रॉब्लम है, अप्लीकेशन फ़ी में प्रॉब्लम है, पर्सनल कुछ डिटेल्स में प्रॉब्लम है, मेलिंग एड्रेस आप लोगों का गलत फिल हो गया, या फिर आप लोगों ने जो एड्रेस फिल किया है उस पर आप लोगों को मेल नहीं आ रही PGI की साइड से, क्वालिफिकेशन डिटेल में, या फिर आप लोगों को इन सर्विस डिटेल में कैटेगरी आप लोगों को कौन से यहाँ पर है उसी से रिलेटेड डिटेल, आप लोगों को फोटोज़ और सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत है, प्रेफरेंस में दिक्कत, स्टूडेंट के पास डोमिसाइल नहीं होता आप लोगों को उसमें दिक्कत है, कैटेगरी सर्टिफिकेट PWBD सर्टिफिकेट में, फ्रीडम फाइटर में, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में, मतलब जितने भी ऑप्शन है सभी के सभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सभी के सभी यहाँ पर हैं। तो आप लोगों को एक जो है क्लिक एक पे क्लिक कर देना होगा, दैट इज़ हम लोग जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मेलिंग एड्रेस पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो रहेंगे यहाँ पर क्वेरी डिटेल्स फिल करने होंगे, जैसे कि आप लोगों ने सेलेक्ट किया मेलिंग एड्रेस, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कि हमारा जो है ऐसे ऐसे मेलिंग एड्रेस जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया था वो जो है उस पर PGI रोहतक की साइड से हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस पर जो है मेल हमें रिसीव नहीं हो रहा है, इस वजह से हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों को लिख देनी होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है ध्यान रख लेना है एंड इसके बाद आप लोग ये जो लिख रहे हैं इससे भी सारी चीज़ें समझ नहीं आने वाली हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा साइड में जाना होगा, चूज़ फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को आप लोग जो कर रहे हैं उसमें जो भी दिक्कत
बता रही है वो स्क्रीनशॉट्स आप लोगों को शेयर कर देना होगा। स्क्रीनशॉट आप लोगों को चूज फाइल से लेना है एंड पीछे रोहतक को सेंड कर देना है। जैसे ही वो आप लोगों के डाउट्स देखेंगे, जैसे आप लोगों की प्रॉब्लम देखेंगे, वो समझ जाएंगे एंड आप लोगों को तुरंत रिप्लाई होगा। तो आप लोगों को सेव पे क्लिक करके फर्दर मूव होना होगा। तो ये सिंपल से थी जो कि मैंने आप लोगों के जस्ट हेल्प के लिए आप लोगों को बताया, ताकि आप लोगों को कुछ भी जो हेल्प चाहिए जो कि नहीं सोल्व हो रही है, ठीक है। काफ़ी बार क्या होता है, कोई भी ट्राई कर ले नहीं होता है, बिकॉज यूनिवर्सिटी की साइड से कुछ दिक्कत रहती है। तो उस चीज़ के लिए ये जो चीज़ बनाई गई है, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ट्राई किया इस वीडियो में कुछ गाइड करने का। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि जिन भी स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो ऐसे इसको सॉल्व कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।